शिवराज के दबदबे वाली सीट बुधनी में बीजेपी की बगावत के बीच उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन और भेरुंदा में मंडल की बैठक लेने कार्तिकेय बुधनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरों पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ कांग्रेस बीजेपी का चोला ओढ़कर इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है, क्या कहेंगे? नाराजगी फैलाने वाला विषय है। नाराजगी कह के इसको इतना बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया हूँ, सबसे पूछा कहीं की नाराजगी बोल रहे भैया, ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे हैं। जब पता चला आजू बाजू वाले कौन है तो कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें कोई नाराजगी नहीं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, जीत का लक्ष्य क्या मानते हैं? ऐतिहासिक जीत, क्योंकि हम बुधनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। ऐतिहासिक जीत बुधनी में होनी जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं। कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बहुमत हो सके। जो थोड़े बहुत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं उनको, वही मैं कह रहा हूँ, असंतुष्टि तो ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के असंतुष्टि चला रहे हैं। आज मैं सबके बीच में गया, मैंने चार मंडलों की बैठकें ले ली, कहीं में किसी भी रूप से कोई असंतुष्टि नहीं है। कांग्रेस के लोगों में असंतुष्टि है क्योंकि कई सालों से वो इस क्षेत्र में जीत नहीं पाए हैं और वो लोग असंतुष्ट ही रहेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि बुधनी सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत टिकट कटने से नाराज हैं। हाल ही में उनके समर्थन में एक सभा भी हुई जिसमें बीजेपी के 1000 से अधिक कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी पदाधिकारी एकजुट हुए। समर्थकों ने राजपूत से चुनाव लड़ने की अपील भी की। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।